Alright guys, welcome back to another episode of Ark Survival. तो guys, last video में हम लोगों ने इस island को explore किया था and आज के इस video में हम लोग उसके आगे continue करने वाले हैं and यार आज ना हम लोगों को हमारा एक प्यारा सा base बनाना है क्योंकि base important होने वाला है ताकि हम लोग ना जब dinosaurs वगैरह को tame करेंगे ना तो उनको वहाँ पे आराम से रख सके, समझ रहे हो। तो आज हम लोग ना हमारे ये जो बेस था ना, हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैंने स्टोरेज बना दिया, ठीक है। एंड मेरे पे ना अभी जो है 4 points अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं वेट बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि वेट की आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि इन्वेंटरी जितनी ज़्यादा बढ़िया रहेगी उतना ही ज़्यादा हमारा फ़ायदा होने वाला है ताकि हम ज़्यादा आइटम वगैरह कलेक्ट कर सकें, समझ रहे हो। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना सबसे पहले जो है वेट के 2 point वेट में लगा देता हूँ, ठीक है। एंड बाकी जो है मैं यहाँ पे एक भागने वाला भी होता है मूवमेंट स्पीड, तो मूवमेंट स्पीड भी हम लोग यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे आइटम्स यहाँ पे खुल चुके हैं गाइस, लेट्स गो। सब कुछ अनलॉक कर लेते हैं, जो 0-0 वाले ये भी अनलॉक कर ले। अपग्रेड स्टेशन में मेरे बहुत ज़्यादा पॉइंट चले गए, ओ माय गॉड। पहले जो 0-0 वाले ना वो अनलॉक कर लेते हैं, ठीक है। बाकी एंड यहाँ पे जो है मेरे काम की चीज़ें वो हैं यहाँ पर हैं, यहाँ पे डोर फ्रेम खोल लेते हैं क्योंकि अभी हम लोग ना ये पूरा बेस बनाने वाले तो ये सब कुछ ज़रूरत पड़ने वाली है हम लोगों को। वॉल बना लेते हैं, डोर बना लेते हैं, एस प्लस वाले भी खुल चुके हैं हमारे, थैच 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 थैच, स्टोरेज बॉक्स। और यहाँ पे मैंने एक मोड ऐड किया जिससे हम लोग ना इस गेम के अंदर भाई रात को सो पाएंगे ताकि सुबह हम लोग इधर जो रात का टाइम है ना उसको हम लोग स्किप कर सकें, इसलिए। तो बेसिकली वो भी हमारा अनलॉक हो चुका है यहाँ पर, लेट्स गो। वुडन शाइन खुल गया, स्लिंग शॉट खुल चुका है, सैडल मैंने पहले ही खोल लिया था। एंड देन यहाँ पर कुछ काम का है क्या अभी, यहाँ पे स्पाई क्लास भी खुल चुका है, ये हमारे बहुत काम आने वाला है अभी इसलिए, तो ठीक है। और वुडन क्लब वगैरह भी रहने देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, इतना चल रहा है ना, आई थिंक इतना बहुत होना चाहिए अभी फिलहाल के लिए। बाद में जो हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स पड़े हैं लेटर ऑन हम लोग खोल लेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास में है थोड़े बहुत जो है ये पड़े हुए हैं, थोड़े बहुत जो है स्पेयर पड़े हुए हैं मेरे पास। और यहाँ पर हम लोग क्राफ्ट क्या करना है वो हम लोग देख लेते हैं पहले। यहाँ पर जो है हम लोगों को बनाना है फाउंडेशन, तो हमारे पास में नॉर्मल वाला है, तो हम लोगों को सबसे पहले जो है फाउंडेशन बनाना है हमारे यहाँ पे। थोड़ा ना बेस को जो है थोड़ा बड़ा बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं इसलिए, तो इसको मैं जो है ना थोड़ा, हाँ थोड़ा पीछे से इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करते हैं यहाँ पे। और भी मेरे को काफ़ी सारे चाहिए हैं यहाँ पे, एंड आई थिंक मेरे को ना यहाँ पे कमी होने वाली है हमारे आइटम्स वगैरह की। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे किस चीज़ का बनेगा ये। हम लोगों को चाहिए काफ़ी सारा लकड़, ठीक है। लकड़ तो अभी ले आएंगे, कोई सीन नहीं है, लकड़ तो बहुत मिल जाएगा। पहले हम लोग हमारे बेस को जो है तगड़ा बनाना है। इसको अगर मेरे को डेमोलिश तो हो जाएगा, लेकिन मेरे को डेमोलिश नहीं करना इसको एक्चुअली में। डेमोलिश के अलावा कुछ नहीं होगा क्या इसका, डेमोलिश भी तो नहीं हो रहा है। अच्छा आइटम वगैरह मेरे को आई थिंक हमारे मेरे में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे पहले, ठीक है। एंड आई थिंक अभी डेमोलिश हो जाना चाहिए, डेमोलिश ना हो रहा भाई ये तो। हेलो, पता नहीं इसका क्या सीन है भाई, डेमोलिश नहीं हो रहा है। इसके ऊपर बनाना है क्योंकि मेरे को कैंप फायर, इसलिए। तो मेरे को चाहिए लकड़ भाई, लकड़ लेके आना पड़ेगा भाई काफ़ी सारा। किस चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं भाई, हम लोग ना प्यारे प्यारे डायनासोर जो है तगड़े वाले एकदम खतरनाक खतरनाक जो है ऐड करने वाले, मतलब ऐड बोल रहा हूँ टीम करने वाले हैं काफ़ी सारा कुछ, ठीक है। पहले यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे लकड़ चाहिए भाई यहाँ पे, लेट्स गो। यहाँ पे कलेक्ट वगैरह भी करते रहता हूँ, जो भी कलेक्ट होएगा, कुछ नहीं हो रहा वैसे तो, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोगों को पहले हमारे फाउंडेशन का काम करना है, जितने बन रहे भाई बना लेता हूँ पहले तो, ठीक है। लेट्स सी क्राफ्टिंग में कितने बना दिए, अबे 10 भी नहीं चाहिए भाई। इसको हटाऊं कैसे, क्लियर क्यों कर दूं क्या, रुक जाओ 5 बनने तो फिर क्लियर क्यों कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 3 बन चुके हैं, 2 और बनने वाले हैं, वैसे 2 मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ। एक और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इसको क्राफ्ट कर देता हूँ यहाँ पर। एंड ठीक है, यहाँ पर मैं इसको टैप करता हूँ एंड देन हियर वी गो। इसको हम लोग करने वाले कुछ इस तरह से बड़ा, 3 और है ना मेरे पास, तो एक काम करते हैं उसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, लेट्स गो गाइस। अभी हम लोग ना यहाँ पे जो है इसका आई थिंक ये तो डोर हो गया, ठीक है। एंड ये थैच वॉल हो गया, ये क्या है, ये भी दीवार है, एक दीवार बना कर देखते हैं क्या सीन है। एंड ये आई थिंक डोर फ्रेम है, ये तो हम लोगों को रिक्वायरमेंट रहने वाला है। एंड देन ये है हमारा थैच सीलिंग, सीलिंग का सीन नहीं पता उसे क्या है, देखते क्या सीन है भाई। दीवार वगैरह थोड़ी और बना लेता हूँ, ये हमारी ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी क्राफ्टिंग में इन्वेंटरी में जाते हैं और हमारी जो दीवार है उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ 6th वाले नंबर पे। एंड आई थिंक यहाँ पे हमारी, भाई क्या है मेरा कैरेक्टर का धीरे क्यों भाग रहे हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमारी भाई कितना सही है भाई, कितना कितनी चाहिए, 1, 2, 3 पता नहीं कितनी सारी चाहिए भाई, बना लेते हैं, लेट्स सी। अरे लगाना इसको, लगा क्यों नहीं रहा भाई, लेट्स गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आई थिंक मेरे को चाहिए 9 या 10 सही है, बना लेता हूँ जितनी भी बन रही है भाई। आई थिंक 4 बनने वाली है, ओके डन है। यहाँ पे डोर फ्रेम भी मेरे को लगाना है,
तो डोर का एंट्री आई थिंक यहाँ से बेटर रहेगा हमारे लिए आई थिंक, क्योंकि उधर उधर कहीं जाने वाले हम लोग इसलिए। तो या फिर सामने रखे, सामने तो नहीं रख रहा भाई मैं, सेंटर में रखेंगे एकदम, अच्छा लगना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 का बनाना चाहिए था वैसे, मेरे को ऐसा लग रहा है अभी। लेटर ऑन अपग्रेड कर सकते हैं ना, तो कोई सीन नहीं है यार। मेरे को ना ये समझ नहीं आ रहा, इनको मैं मूव नहीं कर सकता है कहीं पे। यार हम लोगों ने थोड़ा स्टोरेज वाले बॉक्स बनाना है, तो मैं यहाँ पर थैच कलेक्ट करने के लिए आ रखा हूँ अभी, ठीक है। थोड़े बहुत थैच चाहिए हम लोगों को, ताकि हम लोग स्टोरेज बॉक्स बनाएं और उसमें हमारा इन्वेंट्री का सामान जो है ना वो रख सकें। यहाँ चलते हैं क्राफ्टिंग में, और यहाँ पे जाके हम लोग ये स्टोरेज बॉक्स बना लेते हैं। एक सेव की ज़रूरत पड़ने वाली है अभी हम लोगों को, वैसे 2-3 बना लेता हूँ, वैसे काफ़ी सारे चाहिए क्योंकि। एंड लेट्स सी, ऑल राइट, यहाँ पर मैं जो है हमारे स्टोरेज बॉक्सेस को जो है यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है गाइस। बाहर भी लगा सकता हूँ क्या मैं? ठीक है, एक यहाँ आ चुका है एंड एक आई थिंक यहाँ पर बहुत रहेगा। आगे पीछे हो गया वैसे ज़्यादा, ये सारे लगा देता हूँ वैसे तो। लेट्स सी, आई थिंक यहाँ पे काम हो जाना चाहिए, ठीक है। मैंने सारा सामान हम लोग रख देते हैं, जितना भी फालतू का काम का नहीं है जो भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ब्लैकबेरी मेरे को लगता है नहीं ऐसे कोई काम आती है, और ये पता नहीं क्या चारकोल आई थिंक जलाने में काम आएगा उसके। इसको एक काम करता हूँ, इसको ना यहाँ पर लगा कर देखता हूँ, और मेरे को ना कैंप फायर क्योंकि इसी घर के अंदर लगाना है, ठीक है, ताकि हम लोग खाने पीने का हमारा जो सीन है ना वो यहीं पर कर सके इसलिए। एंड पिकअप, अच्छा आई थिंक एस प्लस वालों को ना हम लोग पिकअप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक इन्वेंट्री है ये, इसके अंदर हम लोग कंज्यूमेबल्स डाल सकते हैं। और के यहाँ पे मीट वगैरह आता है, ठीक है गाइस, ओके। पता नहीं भाई, समझ नहीं आ रहा क्या है वो, पर यहाँ पे मैं आई थिंक मीट डाल सकता हूँ, ठीक है। एंड खाने का तो यार मेरे पे वैसे काफ़ी सारा रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसको मैं रख नहीं सकता क्या वापस वहाँ पे? खाना वाना खाते रहते हैं साथ साथ में, पेट भी भरता रहेगा हमारा, कोई सीन नहीं है। वो खाने का ना मैं यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि ना बार बार मेरे को ना खाना पड़ता है ऐसे फिर, इसलिए। एंड यहाँ पे कहीं पता है गैस स्किन्स वगैरह वे दिखाता हूँ, इसको हम लोग ये कौन सी स्किन है, स्पेयर की है ना, इसको स्पेयर पर डालूंगा तो हमारे पास स्पेयर की स्किन आ जाएगी। और ये हैचेट का भी था ना, ये रहा हैचेट का, इसको यहाँ लगा देते हैं। और ये आई थिंक टॉर्च की है, टॉर्च में लगाते हैं इसको। एंड यहाँ पे ना इसका भी था यार, मेरे को इतना याद है, इसका स्किन कहाँ गया वे? नहीं था आई थिंक, था तो था यार पता नहीं। और राइट, यहाँ पे देखो इसको, ये हमारा हैमर हो गया, देख रहे हो इसका तगड़ा लग रहा भाई, एक नंबर। और ये हमारा स्पेयर है, लुक एट दिस गाइस, कितना सही लग रहा है गाइस। और ये हमारा पता नहीं फुलझड़ी बन गया भाई इसका तो, हेलो तो फुलझड़ी बन गया भाई। और राइट, यहाँ पे और कुछ है क्या यहाँ पे? आई थिंक सीलिंग का मेरे को ट्राई करके देखना, सीलिंग का क्या सीन है, सीलिंग का हेलो आई थिंक। ओ अच्छा, आई सी आई थिंक ये हमारे ऊपर लगेगा। अच्छा समझ गया क्या सीन है भाई, समझ गया। यहाँ पे 6th पे जाते हैं, और हम लोगों को ना वॉल्स लगानी है यहाँ पे, तो भाई पहले दीवारें लगा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें चाहिए बिल्कुल सेफ हमारी जगह, ठीक है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए हमारे घर में। काफ़ी सारी और चाहिए भाई यहाँ पे तो काफ़ी सारी दीवारें खड़ी कर देंगे। स्टेयर्स वगैरह होती है क्या इसके अंदर? आज हम लोग सिर्फ हमारे बेस पे काम करेंगे, मैं एकदम तगड़ा सा बनाऊंगा। लेवल अप अवेलेबल है हमारे पास, 4 पॉइंट्स अवेलेबल है गाइज, क्या करें हम, वेट बढ़ाते हैं क्योंकि वेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और मूवमेंट स्पीड थोड़े बढ़ाते हैं। काफ़ी सारा कुछ फिर से खुल चुका है यहाँ पे, प्रिजर्विंग सॉल्ट पता नहीं क्या क्या खुल रहा है, सब अनलॉक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है फिलहाल के लिए तो। और 00 वाले भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, लेट्स सी हमारे यहाँ पे भी काफ़ी सारा कुछ है, इसको रहने देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पे जितना भी अनलॉक हो रखा है ना सब खोल लेते हैं पहले। एंड सिंपल बेड हम लोगों ने यहाँ पे खोल लिया, टेंट खुल गया, स्टैंडिंग पता नहीं क्या क्या खुल रहा है भाई, कॉम्फी पिलो, वुडन क्लब, पेंट ब्रश, मल्टी पैनल। भाई साहब मेरे पे इतने पॉइंट भी नहीं बचे भाई, पॉइंट ही ख़त्म हो गए मेरे सारे के सारे गाइज, व्हाट द हेल। ऑलराइट, यहाँ पे आई थिंक हमारी वॉल्स तैयार हो चुकी हैं, तो वॉल्स यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, लेट्स गो हियर। यहाँ पे मेरे को दरवाज़ा लगाना है गाइज, एक काम करता हूँ, ये ऊपर और ऐड कर सकता हूँ ना, थोड़ा इसको ना बड़ा एरिया करने वाला हूँ इसलिए। तो आई थिंक फ़िलहाल के लिए मैं जो है ना इसको रिमूव कैसे करूँ इसको, मैं इसको अगर मेरे को रिमूव करना हो तो नहीं, अच्छा अपने आप हो गया वहाँ से, ओके दैट्स गुड। तो मेरे को अभी क्या क्या चाहिए वो देख लेता हूँ पहले, मैं ना क्राफ्टिंग में चलते हैं। और यहाँ पर मेरे को दरवाज़ा बनाना है गाइज, एक दरवाज़ा बनाना है, दरवाज़ा दरवाज़ा कहाँ गया भाई, दरवाज़ा अनलॉक नहीं किया क्या मैंने? हाँ ये तो रहा, हाँ इसको अनलॉक करते हैं, दरवाज़ा बनाते हैं यहाँ पे। वैसे मेरे को चारों तरफ दरवाजे बनाने चाहिए थे ना, सही नहीं कह रहा, चारों तरफ ज़्यादा वो ज़्यादा फिर अच्छा खासा, इसलिए इसको लगाते हैं यहाँ पे, लेकिन ये तो लग ही नहीं रहा, हेलो लग क्यों नहीं रहा ये? कांट प्लेस डोर, नो स्नैप पॉइंट। ओ भाई ये क्या थी ना,
इसको एक्चुअली डेमोलिश भी नहीं कर रहा गाइस, ये पता है। अच्छा मेरे को होल्ड करके रखना पड़ता है तब डेमोलिश करता है ये, लेकिन ये डोर लग नहीं रहा है यहाँ पे, इसका क्या करूँ मैं भाई, गड़बड़ हो गई। मैंने ना अपना वो भी तोड़ दिया भाई जो फ्रेम था उसको भी। देखो गाइस यहाँ पे फ्रेम, इसको भी क्राफ्ट करता हूँ ठीक है। पता नहीं दरवाज़ा नहीं लगा रहा यार गाइस, ऐसा क्यों है भाई, ये क्या है ब्लड एक्सट्रैक्शन सिरिंज, क्या होता है भाई ये सब, ये पता नहीं क्या वुडन क्लब भाई, क्या क्या खुल गया पता नहीं, यहाँ पे पता नहीं क्रिस्टल चाहिए क्या क्या। ओ भाई क्या है ये, लेट्स गो। पहले हम लोग जो बना रहे हैं ना वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सिक्स पे इसको मैं अगर लगाता हूँ, लेकिन यहाँ पे दरवाज़ा क्यों नहीं आ रहा, हेलो ये ऊपर कहाँ जा रहा है भाई, हेलो है। अच्छा मेरे को नीचे देखना पड़ रहा भाई, ये देखो। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे हम लोगों का दरवाज़ा भी बन चुका है और ये हमारा घर बन चुका है एक तरह का, मतलब बेस बन चुका है। लेट्स गो, इसके अंदर तो आई थिंक खाना वगैरह रखा तो था लेकिन कुक नहीं हो रहा है, मेरे को लकड़ी डालनी पड़ेगी इसमें। आई थिंक अभी काम होना चाहिए इसका भाई, इसमें तो गजब ही आग जल रही है एकदम कती। अरे इन्वेंट्री खोलना भाई, इन्वेंट्री खोल। ओके यहाँ पे खाना कुक हो जाएगा। स्पॉइल यार, स्पॉइल फूड का पता नहीं सीन नहीं समझ आता एक तो मेरे को, क्या सीन है। यहाँ पे मेरा खाना वगैरह ठीक चल रहा है ना, नहीं चल रहा है ठीक है, फूड तो ठीक है हमारा अभी फ़िलहाल। एंड यहाँ पे भाई सब क्या हो गया, पानी चाहिए तेरे को भाई, कितना पानी पिएगा, एक बार भी पानी नहीं पिला वैसे मैंने इसको ठीक है। यू आर हॉट, यू शुड बी फाइन सम प्लेस टू कूल डाउन। अबे यार ले भाई, आई थिंक मैंने अंदर आग लगा रखी है ना ये, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, प्रॉबेबली उसी वजह से हो रहा है। एंड लेट्स सी, मेरे को फुटस्टेप्स लेट क्यों आ रहे हैं तो इसके पता नहीं। मेरे को यहाँ पे एक सीलिंग जो हम लोगों ने बनाई थी ना उसको ऐड करते हैं। ओके दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स गुड। अभी मेरे को ना काफ़ी सारे दीवारें बनानी है, दीवारों का कहाँ सीन गया भाई, दीवारें अब कहाँ गई दीवारें, आई थिंक यही था। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे ऐड, एंड मेरे को सीलिंग भी बनानी है तो सीलिंग उसको यहाँ ऐड कर देता हूँ। और लेकिन मेरे को इनके लिए चाहिए वुड भाई, वुड की इतनी कमी क्या है हो रही है भाई। चलो अभी ना हम लकड़ी इकट्ठा करने चलते हैं गाइस, आज हम लोग सिर्फ यही काम करने वाले भाई, बेस का बस, बेस हमारा डन हो जाए फिर कोई सीन नहीं है भाई। काफ़ी सारा लकड़ मिल गया भाई यहाँ तो। लेट्स गो गाइस, यहाँ पे भाई 130 140 तक हो चुका है, काफ़ी सारा वुड मिल गया भाई वो तो भी। चलो अभी मैं ना काफ़ी सारे बना लेता हूँ, ये 8 बन रहे हैं ठीक है, सिर्फ 8 बन रहे हैं भाई, और लकड़ चाहिए हम लोगों को। अरे भाई मेरा हथौड़ा टूट गया, मेरे को हथौड़ा बनाना पड़े, मैंने हथौड़े नहीं बना रखे भाई, ये क्या सीन है भाई, हथौड़े नहीं बना रखे गाइस मैंने, सीरियसली। वैसे इसको रिपेयर कर सकता हूँ ना मैं, हाँ रिपेयर भी तो कर सकते हैं हम लोग टैप करके, दैट इज़ गुड। ठीक है ये रिपेयर हो गया, तोड़ भाई तोड़, खड़ते रहे इकट्ठे करते रहे भाई, लकड़ी चाहिए आज तो काफ़ी सारे हम लोगों को। क्या हो गया भाई, यू आर हॉट, यू शुड, अबे यार भाई इतना धीरे चल रहा है ना, इन्वेंट्री बढ़ाते हैं भाई, वेट का भाई गलत ही सीन है एकदम, इतना वेट बढ़ा दिया फिर भी भाई। हम लोग लेवल 18 के हो चुके हैं गाइज, एंड स्टेमिना वेट और हमारी मूवमेंट स्पीड भी थोड़ी तेज़ रहनी चाहिए है। लेट्स गो, ऑल राइट इतना डन हो चुका है, थोड़ा दिख रहा गाइज अभी तेज़ भागने लग रहा है पहले से, यप गाइज थोड़ा तेज़ भागने लग रहा है भाई, अभी ठीक है ज़्यादा तेज़ भागेगा हमारे फ़ायदे में रहने वाला है इसलिए। और ये हमारा बैग है सोने के लिए, यहाँ पे हमारा खाने पीने का सामान हम लोग इसमें रख सकते हैं, वैसे तो जितना भी एक्स्ट्रा आइटम वगैरह है ना वो यहाँ डाल सकते हैं, काफ़ी सारा फाइबर है मेरे पे, फाइबर एक काम करता हूँ यहीं पे रख देता हूँ। एंड लकड़ भी काफ़ी सारा, अरे लकड़ का तो मेरे को काम है ना अभी, रुको इसको बनाने में फाइबर लगता है क्या, अच्छा फाइबर भी लगता है इसमें, अच्छा मैं फाइबर ने काम करता हूँ निकाल ही लेता हूँ इसमें से, काफ़ी सारे हम लोगों ने बनाने क्योंकि। एंड आई डोंट नो क्या रिक्वायर्ड है, क्या ख़त्म हो गया भाई, थैच ख़त्म हो गया हमारा, व्हाट इतना सारा तो था, अरे भाई थैच नहीं हमारे पास गाइस, अभी थैच चाहिए हम लोगों को काफ़ी सारा। ऑलराइट अभी खाने का भी सीन है भाई, कितना मतलब कितना खिलाऊं पिलाऊं इसको, कुछ भी हो जाए भाई, लेकिन ये बंदा भाई थकता नहीं है भाई खाते पीते। ऑलराइट यहाँ पे काफ़ी सारा थैच मिल रहा है हमको, लेट्स गो, इधर में भी मिल गया काफ़ी सारा भाई, क्योंकि आज हम लोगों ने पूरा तगड़ा सा बेस बना देना है बस, मतलब पूरा एकदम ना ऐसा बनाना है कि हम लोग हाँ घर में रहने की जगह हो जाए बस हमारी एक ना, समझ रहे हो भाई साहब, 370 थैच हो चुका है हमारे पास में,
लेट्स गो, यहाँ पे बना लेता हूँ काफ़ी सारे। पता नहीं इतने ज़्यादा नहीं बनाने चाहिए थे, मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने काफ़ी ज़्यादा बना दिए हैं। लेट्स सी, अगर मेरे को इन्वेंटरी में चेक करना है कहाँ है ये, काफ़ी ज़्यादा बन गए गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो इनको मैं लगाना शुरू करता हूँ यहाँ पे। अभी लग क्यों नहीं रहा लेकिन है, अच्छा लग तो रहा है, लग रहा है। ये क्या सीन है भाई? ओके, मतलब आधी आधी जगहों पे लगता है और आधी जगहों पे नहीं लगता है, पहले पूरा करना पड़ता है। ओके आई थिंक ज़्यादा हो गया भाई, इसको हटा, इसको क्लियर कर, क्लियर कर। काफ़ी ज़्यादा बना दिया भाई मैंने। अब मेरे को बनानी है सीलिंग्स, ठीक है? काफ़ी सारी सीलिंग्स चाहिए भाई मेरे को यहाँ पे, काफ़ी सारे भी नीचे थी वैसे। आई थिंक इतना काम हो जाना चाहिए मेरा, पर जो भी है एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा तो मैं रख दूंगा उसको, ठीक है? इनको एक्स्ट्रा वाला जो सामान है ना ये बनाने वाला, इनको मैं रुको कहीं इसको ना इसकी इन्वेंटरी क्या है ये, ये क्या पकड़ रखा है इसने? और इसकी इन्वेंटरी एक्सेस करते हैं, यहाँ पे इसको डालते हैं। एंड यहाँ पे अभी हमारा जो है ये वुडन फ्रेम बनानी क्या आई थिंक। ओके आठ में जाते हैं यहाँ पे एंड इसको हम लोग पूरा फिनिश कर देते हैं गाइज़ यहाँ पे, ठीक है? आई होप्स उसमें ना स्टेयर्स वगैरह भी हो ताकि हम लोग सेकेंड फ्लोर भी बना सके भाई। सो करते हैं पहले पूरा यहाँ पे भाई, इसको लगाने का तो बड़ा पंगा है भाई। आई थिंक मेरे को FPP में लगाना पड़ेगा ये सारा कुछ। क्या हो गया भाई, ख़त्म कैसे हो गया? ये दो ही चाहिए ना बस, ठीक है? अभी बन जाएगा गाइज़ ये भी, कोई सीन नहीं है भाई। और यहाँ पे पिक करते हैं एंड आखिरी भी बन जाएगा। बन जा भाई, बन जा भाई, लग जा भाई। ओके यहाँ पे हमारा जो है एकदम पूरा सेफ एरिया बन चुका है गाइज, लेट्स गो भाई। ऑलराइट गाइज, अभी ना हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा सामान वगैरह पड़ा है ना वो हटा देता हूँ पहले मैं यहाँ से। एंड एक्स्ट्रा तो वैसे कुछ भी नहीं लग रहा, ये जो है ना कंज्यूम कर लेता हूँ। बैरी वगैरह वैसे जो है ना ये हमारे काम आने वाली है, हम लोगों को उनको मतलब जब टेम करेंगे ना उसमें उनको खिलाने पिलाने में काम आने वाले हैं। और ये स्लीपिंग बैग बनाना है, लेकिन पता नहीं इसमें क्या क्या चाहिए भाई। हेयर और वूल, पता नहीं वूल तो कहीं मिलेगा। और क्या है, हाइड स्लीपिंग बैग, ये तो मेरे पे एक है लेकिन ये वूल पता नहीं कहाँ कहाँ मिलेगा भाई। और ये स्लीपिंग बैग भी तो खुला था ना, कहाँ गया स्लीपिंग बैग? ये रहा, मतलब बैड है ये तो भाई, हाइड चाहिए इसको बनाने के लिए। चलो गाइज अभी ना टाइम आ चुका है, किसी एक को तो मार के आएंगे, ठीक है? किसी एक छोटे मोटे डायनासोर को लपेट के आएंगे हम लोग। यप गाइज वी आर डूइंग दिस। ये रहा ना, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ए इनको कौन मार दिया वे? चलो इनसे हाइड मिल जाएगा हम लोगों को, कोई सीन नहीं है। हाइड तो नहीं मिल रहा लेकिन रॉ फिश मीट जरूर मिला है। वो कछुए इधर आ, वो कछुए इधर आ, तेरे को लपेटना है मेरे को। इधर आ, इधर क्या, इधर आएगा ये? आना इधर आ। नहीं नहीं मेरे को नहीं मारना, नहीं मारना, नहीं मारना। आएगा आएगा, बाहर आएगा। एंड ये लेवेंस क्यों आएगा, आएगा, आजा 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 आजा। इसको तो गाइस लपेटना है, इसको तो कुछ भी हो जाए लपेटना है आज। क्या है वैंस क्या तेरी? ये ले, इसको मैं मार सकता हूँ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। मैं इसको मार सकता हूँ गाइस, ये मेरे को ना मार दे बस। वैसे कोई सीन नहीं है, मार भी देगा तब भी, पर मैं इसको वैंस क्या मार के रहूँगा मैं। मैं मर क्या ही नहीं रहा, कितनी HP है भाई इसकी। हेलो, यू आर इंजर्ड, रिकवर समर हेल्थ इन ऑर्डर टू। भाई मर ही नहीं रहा गाइस ये तो, ये कार्बोनेमिस भाई लेवल नाइन है, 1191 है भाई। हेलो भाई, ये तो मर ही नहीं रहा है। और एक सेकेंड, ये रैंडम क्यों स्पॉन हुआ भाई? मेरा बेड भी तो रखा है वहाँ पे। हेलो, लेकिन मेरा इन्वेंटरी का आइटम वापस सही है भाई, मैं जा रहा हूँ उसको लपेट के आऊँगा। आई होप सो ये इधर वापस ना आए मेरे को देख के। मेरे को मेरे आइटम वगैरह वापस चाहिए भाई, भाई ट्रांसफ़र कर रहे, जल्दी जल्दी रख वापस। कपड़े भी ले, पहनने भाई इनको, वापस पहनने हैं इनको, वापस पहनाता हूँ मैं। ऑलराइट यहाँ पे कपड़े पहन लिए, लेकिन मेरे आइटम वगैरह जो है ना, एक सेकंड, मिसिंग तो नहीं है वैसे? या मिसिंग नहीं यार, मिसिंग है, काफ़ी सारे आइटम मिसिंग है मेरे। इधर वैंस क्या, तू लास्ट टाइम तेरे को मारा नहीं था ना मैंने, फालतू करेगा वैंस क्या कहें। भागो गाइस भागो, आजा आजा, इसको ना मैं अपने पास ही लेके चलता हूँ, ठीक है? वहीं लपेटूंगा, आइयो आजा। मेरे को ना यार स्पेयर्स भी थोड़ी बहुत जो है ना बनानी है यार, रुको कैसे बनाऊँ लेकिन। अरे ये क्या खुल रहा है, ओए ये मत खोल अभी। स्पेयर 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 स्पेयर, इसको हटा इसको हटा।
स्पेयर बनाने के लिए कुछ तो रिक्वायरमेंट चाहिए, मेरे पास है नहीं। जो फ्लिंट चाहिए भाई, फ्लिंट मेरे को लेके आना पड़ेगा। फ्लिंट मिलेगा मेरे को पत्थरों से, ठीक है। फ्लिंट फ्लिंट निकाल, फ्लिंट निकाल भाई, निकालता रहे निकालता रहे निकालता रहे। ओ जल्दी भागो, ओए ओए नहीं, ओए ये हरकतें मत कर भाई प्लीज़, जल्दी बना जल्दी बना। हाँ क्या है भैंस की आँख तेरी? गाइस गाइस थोड़ा पंगा हो गया है, इसको ना थोड़ा तेज़ का मारूंगा, ठीक है। क्या है फालतू करेगा? ये ले भैंस की आँख, और खाने हैं, और मरना है तेरे को, है और मरना, ऐसे नहीं मारेगा। ये ले भैंस की आँख मेरे पे भाई, स्पेयर बनाता रहूँगा मैं, एक लास्ट स्पेयर बना सकता हूँ सिर्फ मैं गाइस, एक लास्ट स्पेयर बना सकता हूँ बस। इसको ना थोड़ा, तेरी भैंस की आँख, मरता क्यों नहीं है तू? फाइनली गाइस हम लोगों ने इसको लिपटा दिया है भाई। ओके मैं अपने सारे स्पेयर्स वगैरह इकट्ठे कर लिए मैंने यहाँ पे। भैंस की मरता क्यों नहीं है इसकी? अगर ड्रैग बॉडी करके लेके जाऊँ, मेरे को क्यों नहीं दिख रहा कुछ? हेलो मेरा कैरेक्टर कहाँ गया गाइस? इसको मैं अपने यहीं पे लेके जाऊँगा ताकि ना खाना वगैरह हम इकट्ठा कर सकें। 9 घंटे में आई थिंक ये डिकम्पोज होने वाला है। 9 घंटे बहुत है वैसे, बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा है। राइट इसको हम लोग लेके आ चुके हैं यहाँ पे भाई। इन्वेंट्रीज जो भी है इसको रखेंगे यहाँ पे, और इसे निकालूंगा अभी काफ़ी सारा खाना मैं। कैरेटीन मिला है, पता नहीं क्या होता है। वे ये जो 9 घंटे बोला था तो अभी भाग गया? हेलो ये तो अभी भाग गया भाई साहब। गाइज हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या ले लिया उससे, मीट लिया है काफ़ी सारा भैंस की। ओके अरे इसको लाइट वाइट मत कर, एक्सेस इन्वेंट्री कर, काफ़ी सारा खाना यहाँ डाल दे। एंड हाइड मेरे पे है खाना, यहाँ पे कुक क्यों नहीं हो रहा? अच्छा मैंने लाइट फायर नहीं कर रखा था। ऑल राइट इसको लाइट पे रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ना ये स्लीपिंग बैग का समझ नहीं आया भाई, ये स्लीपिंग बैग का समझ नहीं आया मेरे को, इसने काम क्यों नहीं किया भाई? एक और स्लीपिंग बैग बनाना पड़ेगा लगता है मेरे को। ये बनाना था लेकिन मैं बना नहीं सकता, पता नहीं क्यों तो मसला हो रहा है। वो यहाँ पे हाइड चाहिए मेरे को, 10 और हाइड चाहिए यार। उसके बाद में हम लोग आई थिंक वो बना सकते हैं, जो हम लोगों को एक बेड चाहिए सिंपल सा वो। एंड यहाँ पे हम खाने का, वैसे खाने का इतना धीरे धीरे बढ़ रहा है तो कोई सीन नहीं है। एंड हेल्थ बढ़ा लेता हूँ थोड़ी सी, क्राफ्टिंग स्किल। अब भैंस के तू हाँ तू हगल है यहाँ पे। मूवमेंट स्पीड हम लोगों ने यहाँ पे बढ़ा ली है भाई, लेवल 21। ओ भाई कितना तेज़ भागने लग रहा है गाइस अभी, देख रहे हो? अब हम लोग आराम से बच बच के जा सकते हैं, कोई सीन नहीं है भाई। लेकिन इसका सीन समझ नहीं आ रहा क्या है ये। ऑल राइट गाइस हमारा बेस यहाँ पे जो है, वैसे वेल हमारा बेस भी यहाँ पे तैयार हो चुका है, ठीक है। कोई सीन नहीं। और वुडन का यहाँ पे कोई साइन वगैरह भी था ना, ये वुड साइन कहाँ गया? वुड साइन ये रहा, ये क्राफ्ट करके देखते हैं क्या सीन है इसका, ठीक है भाई साहब। हम लोगों को ना गाइस ये आई थिंक मैं जहाँ मर रहा हूँ ना उसका वो इन्वेंटरी दिखा रहा है, ठीक है। इसको क्या करना है, प्लेस रोटेट नहीं कर सकते गाइस इसको हम लोग? रोटेट कैसे करते हैं भाई, इसको रोटेट कैसे करते हैं? हेलो रोटेट नहीं होता ये। चलो इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। पता नहीं क्या है ये, पर जो अच्छा, ओ आई सी ऐसा सीन है इसका रोटेशन का। ओ ई टू सेट साइन टेक्स्ट। ऑल राइट गाइस ये हमारे होने वाला बेस 01, लेट्स गो भाई साहब। क्या ही लग रहा है यहाँ पे, सेट पिकअप वुडन शाइन पर। अबे नहीं भाई ठीक है, बढ़िया लग रहा है गाइस हमारा ये बेस जो है यहाँ पे तैयार हो चुका है भाई। आग लग रही है उसके अंदर एकदम, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। लेट्स गो गाइस ये हमारा बेस यहाँ पर तैयार हो चुका है, और साथ ही साथ रात भी हो चुकी है। इसका गेट बंद कर देता हूँ ताकि कोई आए ना यहाँ अंदर। ऑल राइट गाइस हम एकदम बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पे, कोई सीन ही नहीं है भाई। और गाइस हम लोगों ने पकड़ रखी है हमारे हाथ में फुल जड़ी अबे दरवाज़ा नहीं खुल रहा अब। अच्छा दरवाज़ा भाई, दरवाज़ा भी कितना कन्फ्यूजन है भाई। ऑलराइट गाइस हमारा यहाँ पे बेस जो है तैयार हो चुका है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर मजा आता है नीचे लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।